हेलो गाइस, तो मैं हूं और यार आप सबका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि कैसे आप सबको मिल सकता है ये इमोट फ्री में, लोकेटा कैरेक्टर फ्री में और साथ ही में अपना के कैरेक्टर फ्री में। तो आप सबने जैसा कि देखा ही होगा कि ये के कैरेक्टर आ चुका है फेडेड व्हील में, तो कैसे आप सब उसको जीत सकते हैं या फिर उसको ले सकते हैं वो भी फ्री में, और लोकेटा कैरेक्टर आपको कैसे मिल सकता है एक डायमंड में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आप सबको वही सब कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये नई इवेंट आई है, ये इवेंट का नाम है प्ले लाइक प्रोज। तो अगर हम ये प्ले लाइक प्रोज खेलेंगे, मतलब इसके टोकन्स कलेक्ट अगर हम कर लेते हैं 30, तो हमको मिलेगा ये इमोट फ्री में, मतलब एक्सचेंज करना पड़ेगा। और अगर 15 करेंगे तो हमको फार्मर्स का एक स्किन मिलेगी, मतलब वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्पररी भी हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, दो टोकन में से हमको बाउंटी रिडीम करने को मिलेगा, बाद में 5 टोकन में से हमको वो गन की स्किन मिलेगी, ऐसा ही है सब कुछ। और इमोट भी मिलेगा अगर हम 30 टोकन्स कलेक्ट करके उसको रिडीम करते हैं। तो आज की ये डेट तो अभी बहुत पहले की है, ये स्टार्ट हो रहा है इवेंट 17 से लेकर 20 को ख़त्म हो रहा है, तो उसके बीच में अगर हम करेंगे तो ही ये होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आज की डेट तो अभी 17 डेट भी नहीं आई है, इसलिए इसमें लिखा हुआ आ रहा है नॉट स्टार्टेड। तो आप 17 डेट के बाद करना तो आपको पक्का मिल जाएगा। और अभी मैं बोलता हूँ कि आप सब कुछ रेडी करके रख लीजिए, जैसे कि मैंने 30 टोकन्स कलेक्ट पहले से ही कर लिए हैं। और मैं मेरा गेम प्ले भी दिखा देता हूँ कि कैसे मैंने 30 टोकन्स कलेक्ट किए, और इसकी मैं एक ट्रिक भी देता हूँ कि आप है ना क्लैश स्क्वाड में खेलिएगा, क्योंकि क्लैश स्क्वाड में अगर आप भुया करते हो, क्लैश स्क्वाड रैंक नहीं ऐसे क्लासिक में भी अगर आप भुया करते हो तो भी आपको टोकन्स मिलेंगे। और अगर आप गलती से हार भी जाते हो या फिर अगर जीत नहीं पाते हो तो भी आपको टोकन्स मिलेंगे, अगर आपने प्रो की तरह खेला होगा तो। तो यही थी मेरी ट्रिक। तो चलिए गेम प्ले देख लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट गेम प्ले है क्योंकि क्लासिक में मैं खेल रहा था, बहुत जल्दी से बंदों को मार दिया। तो चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, तो मैंने ये रिज्यूम किया है सेकंड मैच से, तो पहली मैच हम जीत चुके हैं, तो ये इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि गेम प्ले बहुत ही लंबा हो जाता है, बाद में वीडियो भी बहुत ही लंबी हो जाती है, इसलिए मैं नहीं दिखा था। तो चलिए ये भी बहुत शॉर्ट मैच ही होने वाली है, बहुत जल्दी से हम भुया कर लेंगे। यार भी जा ही नहीं रहा। हाँ तो चलो हम ऊपर से स्कोपिंग करते हैं। तुमने रश मार दिया क्या भाई? हमको लगता है क्या भाई यार। तो हमने डबल किल करके ये मैच को आसानी से स्किप किए बिना जीत लिया है। सो गाइस, अभी मैंने स्किप कर दिया है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि अब वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है वरना, तो मैंने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। 2x मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। सो ये मैच भी हम आसानी से ही जीतेंगे, बहुत ही नूबड़े हैं सामने वाले। क्या भैया बहुत नूबड़े यार, मना तो दिया, कोई बात नहीं, मेरा दोस्त रिवाइव दे रहा है और विक्ट्री हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो अभी तो हमको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, हेलमेट और वेस्ट ले लेते हैं और ग्लू वॉल। तो चलिए यार जल्दी से ये स्किप हो जाए और जल्दी से ये गेम प्ले ख़त्म हो जाए, बाद में तो हम देखेंगे। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि ये गेम प्ले बहुत लंबा होने वाला है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ्री फायर खेलते हो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं फ्री फायर से रिलेटेड बग्स,
ट्रिक्स और बहुत ही सारे गेम प्ले और वगैरह वगैरह फीफा से रिलेटेड अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो अभी आप देख सकते हो जैसे कि मुझे मिला है वो टोकन, तो अभी हम देख लेते हैं फिर से। तो ये नॉट स्टार्टेड ही है। सो चलिए गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा आपको मिलेगा लोकेटा कैरेक्टर, वो भी सिर्फ एक डायमंड में। तो आपको पता ही होगा कि ये नई इवेंट आई है जिसमें स्पिन करना होता है और बाद में उसमें कुछ डिस्काउंट होता है, और एक डिस्काउंट ऐसा भी है कि सब कुछ आपको एक डायमंड में मिल रहा है, मतलब लोकेटा कैरेक्टर भी उसमें ही है। तो ये आपको कैसे सब कुछ एक डायमंड में मिलेगा वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, सॉरी गाइस, मैं रिकॉर्ड करने ही वाला था पर गाइस भूल गया, सॉरी गाइस। तो आपको उसमें तो सबसे पहले ज़्यादा लक उन लोगों का रहता है जो लोग के पास बहुत ही कम डायमंड रहते हैं। मेरे पास अभी मैंने एक भी बार टॉप अप नहीं किया है, तो मेरे पास सिर्फ 2 डायमंड थे, वो भी मुझे लॉबी में से वो मिलता है ना उसमें से मिले से गाइस। तो जितने कम डायमंड्स आपके पास होंगे उतना ज़्यादा लक रहेगा। तो मैंने एक फ्री स्पिन किया और मुझे फ्री स्पिन में पहली बार मुझे 1 डायमंड का डिस्काउंट मिल गया, तो मैंने बाद में ये ख़रीद लिया लोकेटा कैरेक्टर। तो आप चाहो तो कुछ और भी ख़रीद सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फेडेड व्हील में से आप कैसे फ्री स्पिन में ले सकते हो के कैरेक्टर, वो भी बहुत लोगों की डिमांड आ रही है कि भाई के कैरेक्टर तो आलोक का बाप है भाई, के कैरेक्टर आलोक से भी बहुत अच्छा है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ मैं। सो गाइस तो आपको सबसे पहले तो ये फेडेड व्हील में आ जाना है जो कि ये के कैरेक्टर का फेडेड व्हील है। तो उसमें से आपको जैसे कि मैंने रिमूव कर दिया है वो डायमंड रॉयल का वाउचर और वेपन रॉयल का वाउचर, तो आपको वैसे ही डायमंड और वेपन रॉयल का वाउचर रिमूव कर देना है। तो आपके चांसेस मेरे जितने ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब 99% बढ़ जाएंगे गाइस। तो ऐसे ही आपको मिल सकता है के कैरेक्टर जैसे कि मुझे मिला है गाइस। तो आप अभी देख ही सकते हो कि मुझे मिलने वाला है के कैरेक्टर। मैंने ये स्लो कर दिया है क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आए। तो आप जैसे कि देख सकते हो मुझे मिल चुका है के कैरेक्टर। तो चलिए इसकी एबिलिटीज़ देख लेते हैं। तो गाइस तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कितना खतरनाक और मतलब जोरदार लग रहा है अपना के कैरेक्टर। तो हम जल्दी से इसको एक्विप कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे लोकेटा कैरेक्टर भी मिला हुआ ही है। तो इसकी एबिलिटीज़ चेक करते हैं, लास्ट लेवल की एबिलिटी। तो इसमें कुछ ब्ला 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 लिखा हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैक्स ईपी इंक्रीजेस बाय 50 एंड जीजू ऐसा कुछ लिखा हुआ है गाइस, अब इधर से देख ही नहीं रहा, बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना। तो चलिए हम इमोट भी देख लेते हैं, आपको अगर विश्वास ना हो रहा हो तो ऐसे ही। ये थी आज की वीडियो, बहुत ही शॉर्ट थी पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ के का गेम प्ले, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी कैसे वर्क करती है वो भी मैं आपको गेम प्ले के दौरान समझा दूंगा। तो इधर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं मेरे पास, हाल में तो सिर्फ 14 कैरेक्टर्स हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हो लोकेटा कैरेक्टर भी मेरे पास है, बाद में के कैरेक्टर भी है। तो ये के कैरेक्टर की एबिलिटीज बहुत सारी है, तो इसको भी मैं थोड़ा लेवल अप करके आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।